राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स। हिंदू संस्कृति को शश्वत नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों नवरात्रि, दोस्तों नवरात्रि देवी माँ को प्रसन्न करने के वो 9 दिन हैं जिसमें माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन में पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुशमांडा और पाँचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि और आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा करके अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है और माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग नियमों का पालन भी किया जाता है। पूरे नियम से और विधि विधान से जब आप माता का पूजन करते हैं तो माता आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों आज नवरात्रि के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ माता के 9 दिन में अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण करने का क्या मतलब होता है और इससे माता किस प्रकार प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन में पहने जाने वाले अलग अलग रंग के कपड़ों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है जिससे भक्त को खुशी, शक्ति, ज्ञान मिलता है। नवरात्रि के हर दिन विशिष्ट रूप को समर्पित है। तो दोस्तों माता के नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रंगों के कपड़ों का क्या महत्व होता है। सबसे पहला नवरात्रा है दोस्तों माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा होता है जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन कलश पूजा, कलश स्थापना आप करते हैं के साथ माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको लाल, गुलाबी, नारंगी व रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरा है दोस्तों ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, इनकी उपासना की जाती है। इस समय आपको सफ़ेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी मेधा शक्ति विकसित होती है, आपकी दिमागी शक्तियाँ मजबूत होती हैं। तीसरा दिन है दोस्तों माँ चंद्रघंटा का। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। दोस्तों चौथा दिन माता कुशमांडा। शेर पर सवार माँ कुशमांडा देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इस दिन दुर्गा माँ के चौथे रूप कुशमांडा की आराधना की जाती है। देवी कुशमांडा प्रकृति की भी देवी हैं, इसलिए इनकी पूजा में क्रीम, पीला, हरा और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होती है। दोस्तों पांचवा दिन है स्कंद माता। भगवान कार्तिक के स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना सफ़ेद, दूधिया, लाल या हरे रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों छठा दिन है माँ दुर्गा कात्यायनी का। माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर मर्दिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी है। भक्तों को इस दिन लाल, मेहरून, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ एवं मूंगा इन रंगों में से किसी भी रंग के कपड़े पहनकर माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए। विवाह में आ रही परेशानी हो, नौकरी हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, अब पत्नी पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हो, कोई भी परेशानी हो, कात्यायनी माता सभी को दूर कर देती हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन काल रात्रि का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले लोग इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। अंतिम
आराध्य को अन्य भक्तों को बैंगनी, सलेटी, नीला व आसमानी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप इस रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो देवी आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ का आठवां स्वरूप यानी देवी महागौरी सर्व सौभाग्य दायिनी मानी जाती हैं एवं इनका रंग ओ गौर वर्ण का है। ये धन वैभव और सुख शांति की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा के दौरान साधकों को केसरिया, संतरी या लाल रंग के वस्त्र धारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का नौ दिन नवी शक्ति सभी सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों की सभी सिद्धियां पूर्ण होती हैं। इनकी उपासना में आपको लाल, गुलाबी, क्रीम, नारंगी रंग के वस्त्र पहनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये थे नवरात्रि के नौ दिनों में आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे कुछ भी लिखिएगा जरूर। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।